खबर देवरिया जनपद से है, जहां दुर्लभ बीमारी से जूझ रही देवरिया की 13 साल की बेटी सारा की जिंदगी का जीवन 10 करोड़ के इंजेक्शन पर आके टिक गया है। आपको बता दें कि देवरिया अबू बकर नगर रेलवे स्टेशन के समीप की रहने वाली 13 साल की मासूम बच्ची दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी 2 नामक बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत आन पड़ी है। बच्ची का इलाज बैंगलोर बैटिस्ट अस्पताल में चल रहा है। खास बात यह है कि बच्ची को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करोड़ों में है, जो सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है, लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे बच्ची का इलाज करा सके। अलबत्ता परिवार ने अब पीएम मोदी, सीएम योगी और आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो परिवार की मदद करे ताकि बच्ची की जिंदगी बच सके। पीड़ित बच्ची के पिता ने आम जनता से अपील की है कि धर्म जात से ऊपर उठकर लोग बच्ची की मदद करें। वहीं आंखों में आंसू लिए मां ने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की है कि वो बच्ची को बचा लें, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए 10 करोड़ जमा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा अगर देश की आवाम चाहे तो उसकी बच्ची की जान बच जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि फंड जमा करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक देश की जनता नहीं जुड़ेगी तब तक उनकी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। वहीं बच्ची के शोक सुनकर कोई हैरान रह गया। बच्ची चाहती है कि साइंटिस्ट बने, देश का नाम रोशन करे। वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है, अपने पैरों पर उठकर दुनिया देखना चाहती है। बता दें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक गंभीर बीमारी है, जो सबसे अधिक शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। इससे एसएमए नाम से भी जानते हैं। एसएमए के शिकार बच्चे अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बीमारी उनकी रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स को खराब कर देती है, जिसके कारण दिमाग उन सेल्स को संदेश भेजना बंद कर देता है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। एसएमए में बच्चों की मांसपेशियां पूरी तरह कमजोर और सिकुड़ जाती हैं, जिससे स्थिति कई बार इतनी खराब हालत हो जाती है कि पीड़ित बिना सहारे के बैठ और चल भी नहीं पाता। बीमारी में अधिकतर उन्हें कुछ निगलने और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये मेरी बच्ची है सारा फातिमा लाडी। इसको एक बीमारी है जिसको रेयर डिजीज कहते हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है ये। और इस बीमारी में बच्चे जो है बच नहीं पाते हैं। कितने लोगों को ये बीमारी पता भी नहीं चलती है और बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। हम लोग किसी तरीके से इस देवरिया से निकल के लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह गए, तो वहाँ से हम लोगों को जो है निराशा ही लगी, क्योंकि इसका इलाज नहीं था। गंगाराम में डॉक्टर आर के सब्रवाल द्वारा जो है इसको डायग्नोस किया गया। उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी इस समय इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, और आप लोग जो है फिलहाल इस बच्ची को बचाने की मुहिम को जारी रखिए और किसी तरीके से इस बच्ची को बचाइए, क्योंकि इसका इलाज जल्द ही आएगा। तो हम लोग अपनी बच्ची को पढ़ाने लगे कॉन्वेंट स्कूल में, और ये कक्षा 5 में पढ़ती है। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये इलाज जो है आ गया है, तो किसी माध्यम से हम लोग बैंगलोर पहुँचे, जहाँ डॉक्टर एन एग्निस मैथ्यूज ने इनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा कि इसके लंग्स जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में इसको दिक्कत होती है, और सबसे पहले आपको कम से कम 6-7 महीना एक मशीन दिया उन्होंने। मशीन लगाई जाती है, इसको सोने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके फेफड़े को जो है सिकुड़ रही थी, वो बीमारी जो है जकड़ रही थी मेरी बच्ची को। धीरे धीरे जान लेने के लिए कोशिश कर रही है बीमारी, और इसके बाद इसको दवा दी गई, धीरे धीरे ये इम्प्रूव करने लगी। उसके उपरांत जो है इस बीमारी का जो है उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि आपकी बच्ची को एसएमए टाइप 2 है, जैसा कि पहले और डॉक्टरों ने बता रखा था। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट का खर्च हम लोगों को क्या बनना चाहते हो बेटा? आपकी रुचि किस किस चीजों में है? हाँ, इंटरेस्ट किस किन चीजों में? मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस टीचर से पढ़
और टेक्नोलॉजी किस टीचर से बताओ बताइए। मैं ऑनलाइन चार सेंटेंस मैं ऑनलाइन पाइथन का कोर्स कर रही हूँ। इफ यू नो हिम हिज नेम इज मिस्टर चार्ल्स सेकंड और ये बहुत बड़े टीचर हैं जो मुझे पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। आप अभी बीमार हो और बीमारी के थ्रू अपने आम जनता से क्या अपील करोगे हमारे माध्यम से? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी फंड रेजिंग में हेल्प करें क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह बनना चाहती हूँ जिसके थ्रू मैं दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकूँ, वहाँ से एक्सप्लोर करके मैं इंडिया के लिए नई टेक्नोलॉजीज ला सकूँ। आप कब से बीमार हो और बीमारी में क्या क्या आप तुम्हें परेशानी होती है? मैं शुरू से बीमार हूँ और मैं उठ के बैठ नहीं पाती हूँ खुद से और मेरा बैक थोड़ा सा टेढ़ा है और मेरी मम्मा मेरा सब काम करती है और मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सारा फातिमा लाली। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवरिया उत्तर प्रदेश अबूबकर नगर यूनिवर्सिटी। इनका ट्रीटमेंट बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से चल रहा है। ट्रीटमेंट का खर्च डॉक्टर ने 10 करोड़ रुपए का बताया है। तो हम लोग एक फंड रेजिंग हम लोग चला रहे हैं इम्पैक्ट ग्रुप के थ्रू और हमारे जितने हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं और सभी आम जनता से हम लोग अपील करते हैं कि इसमें आगे आएँ और हम लोगों की मदद करें और इसमें जिससे जैसे हो सके कॉन्ट्रीब्यूट करें। और हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे, क्या आप मांग करेंगे? जैसे 10 करोड़ रुपए तो आपके एक मध्यम परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। जी जी, तो जब हम लोगों ने सुना तो हम लोगों ने तो एकदम उम्मीद ही छोड़ दी कि इतना महंगा इलाज कैसे हम लोग कराएंगे। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि लोग फंडरेजिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट ग्रू जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए से लोग फंडरेजिंग कर रहे हैं और लोग करने में वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने भी वही शुरू किया है फंड रेजिंग करने के लिए। और आप सभी जिसका अकाउंट नंबर हम साझा करेंगे, आप जिसका अकाउंट नंबर और UPI ID, फ़ोनपे, पेटीएम, हर चीज़ से आप लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और हम इसको जो है शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों से अपील है कि जिससे जितना हो सके कम या ज़्यादा आगे आए और हम लोगों ये फंड हॉस्पिटल को जाएगा, सारा फंड हॉस्पिटल को जाएगा और हमारी बच्ची इलाज में उसे मदद। क्या नाम है बच्ची का? नाम है सारा फातिमा लारी। आपका? मेरा नाम है सुखाना लारी। कहाँ के रहने वाले? हम लोग यहाँ देवरिया के रहने वाले हैं। अबूबकर नगर देवरिया, नियर रेलवे स्टेशन अबूबकर। हम लोग दिल्ली गए थे गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ पे देवरिया में हम लोग क्योंकि छोटी जगह में रहते हैं यहाँ कोई डॉक्टर इनकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे तो हम लोग इनको दिल्ली लेके गए। वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में इनका डायग्नोस हुआ कि इनको SMA Type 2 बीमारी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है और रिसर्च चल रहा है और आप लोग वेट करिए, इलाज आएगा। तो हम लोग फिर उसके बावजूद हम लोग इनको कलकत्ता लेके गए, न्यूरो साइंस हॉस्पिटल में दिखाया, बॉम्बे में इनके सारा प्रिस्क्रिप्शन भेजा, बाहर भी भेजा, हिंदुस्तान के बाहर भी भेजा दिखाने के लिए। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं था उस वक्त। ये आज से 11-11.5 साल पहले की बात है और जब से फिर हम लोग इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते रहे उन्हें, हम लोगों से जो हो सकता था हम लोगों ने सारा इनके लिए किया। और साथ ही साथ जो रेगुलर बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई इनको हम लोग ऑनलाइन भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और क्लास 5th में कॉन्वेंट में पढ़ाते भी हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे कि ट्रीटमेंट आएगा, तो ट्रीटमेंट तो आया। हम लोग बैंगलोर लेके गए, बैंगलोर में अच्छी खबर ये मिली कि ट्रीटमेंट आ गया। लेकिन ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास आदमी, कोई आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ट्रीटमेंट 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर ने बताया। तो जी, इसके लिए जो दवाएं इनको लगेंगी वो स्पिन रेसा, न्यूसिनर्सिन की दवा है, स्पिन रेसा और रोशे है जो पीने वाली दवा है। ये दवाएं का एस्टीमेट डॉक्टर ने लेटर दिया है 10 करोड़ रुपए का, जो हमारे जैसा आम आदमी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए डॉक्टर के ही कहने पे हम लोगों ने इम्पैक्ट ग्रुप के द्वारा
फंड रेजिंग चालू की, तो फंड रेजिंग चालू बीमारी में SMN1 जीन डिलीट होने लगती है, डिलीशन होता है SMN1 जीन का, तो हर एक की बॉडी के अंदर इसकी कॉपीज मौजूद हैं जो SMN2 जीन्स कहलाती हैं, उसके लिए ही वो दवा है। वो इतनी पावर SMN2 जीन्स को देगा कि वो SMN1 जीन्स की तरह वर्क करने लगेगी, तो यही दवा है। और आप लोगों से निवेदन है और सरकार से भी, जैसा कि सरकार हमारी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इनको बचाने में आप सब हमारी मदद करें, सहयोग करें, और जिससे जितना हो सके एक कदम आगे आएं, सभी लोग मिलजुल कर हमारी इस परेशानी में हमारा साथ दें। कहाँ के रहने वाली हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग देवरिया में के रहने वाले हैं, खास देवरिया, अभी बकर नगर के रहने वाले हैं, और बच्ची का नाम है सारा फातिमा लाली। अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो किस नंबर पे आपका सहयोग करेगा, क्या जी करें? जी, हमारा नंबर है 7003212065। और फंड रेज में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ़ोन पे है, पेटीएम है, सभी चीज़ों से, UPI से भी पेमेंट किया जा सकता है, बैंक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। डॉक्टर का ये कहना है कि हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, तो उसमें से 10% भी चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ये फंड रेज पूरा हो जाएगा। इंजेक्शन कितने का आ रहा है और कहाँ से आएगा? ये इंजेक्शन स्पिनरेज़ा, जिसकी कीमत 87 लाख रुपीस पर फाइल है, जो US से आती है, और जो दूसरी दवा है पीने वाली रोशे की दवा है, वो दवा 6 लाख रुपीस पर बॉटल आती है, जो स्विट्जरलैंड से आती है। टोटल खर्च कितने का? टोटल खर्च 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर स्टैम्प के साथ मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर जो इनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, उनका नाम है डॉक्टर एन एग्निस मैथ्यूज, हॉस्पिटल का नाम है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बैंगलोर। थैंक यू।